चलिए, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज CAT का पेपर जो है कंप्लीट हुआ था, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसका रिव्यू देखते हैं। और जिन बच्चों के ये पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ये पेपर दे के जाएँ, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से मैच जरूर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या हुआ, कुछ बताए वो आया नहीं आया, रिव्यू कैसा था, क्या पेपर था, क्या इसका बेस्ट पॉइंट मान सकते हैं। तो देखिए, बेस्ट पॉइंट की बात है जहाँ तक की, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था और एज एक्सपेक्टेड जो हमने किया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आप सभी चीज़ ये जानते हैं। आपको मैंने इस के जो इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन भेजे थे, सीरीज़ देखी थी आपने, और अब आप उस सीरीज के क्वेश्चन से इस सीरीज के क्वेश्चन को मैच करो, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कितना प्रतिशत अपना जो क्राइटेरिया था सही गया। दूसरे कोई कुछ भी कहते होंगे, पर अपना तो मैं कहता हूँ 80% से ज़्यादा चला गया, और तो क्या चाहिए आपको। अब वो भी देखना मज़े वाली बात, और सुनाओ आप, मज़े की बात ये है कि लोग कह रहे थे सर कम्युनिटी में क्या, कम्युनिकेशन क्या, और मैंने कहा कम्युनिकेशन का वीडियो मैं आपके लिए पर्टिकुलर डाल रहा हूँ। मतलब मैंने वीडियो बना करके कम्युनिकेशन का, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इतने इजी तरीके से समझाए थे, शायद वो वीडियो पढ़े भी हैं आप, पीछे जाके 2 वीडियो देख सकते हैं। मैंने कहा था 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 100% 16 का क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेकेंड चीज़, मैंने आपको पढ़ी थी जोहरी विंडो कल ही पढ़ाई थी, नॉन बाई अननोन, अननोन बाई नॉन, और मैंने ये भी कहा था देखो सोल्ड पेपर में एक ये मिस्टेक है, वहाँ से सही करना। मैंने कहा जोहरी विंडो आएगा, तो वो भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद में मैंने कहा एवीएट्स पढ़ के जाना, एवीएट्स और उसका क्लासिफिकेशन देखो आप पीछे वाले पेपर में जो बताए वो आया या नहीं आया, ठीक है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना सर इतने आए इतने नहीं आए। एवीएट्स का बोला, एवीएट्स का क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल भी आ चुका है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया अपना डिफाइन कम्युनिकेशन, सेकंड था डिस्कस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड था बेटा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड आया था डिफाइन एवीएट्स, उसके बाद में आया था एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एवीएट्स, और थर्ड आया बाद में प्रिंसिपल ऑफ एवीएट्स। उसके बाद में मैंने कहा था आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग का क्वेश्चन आएगा, आगे गाइडेंस काउंसलिंग का। उसके बाद में मैंने कहा था आपको एजुकेशन से आएगा, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं बोला डिफाइन एजुकेशन का, ये एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, कट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जो नहीं बताया वो नहीं बताया भाई, सही बात है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर कट किया हमने, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया, बाकी के 3 बताए, 3 आए, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन है कि जोहरी विंडो बताया था, बैरियर ऑफ IPR समझाया भी था आपको, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग ये मैंने नहीं बताया, और एम ऑफ एजुकेशन ये बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर मैंने कहा आपको मेथड ऑफ टीचिंग आएगा, देखो मेथड ऑफ टीचिंग का बोला था, 2 मेथड ऑफ टीचिंग ऐसे पूछ लिए, इवोल्यूशन बोला इवोल्यूशन आ गया, ये एक बेड स्लाइड क्लीनिंग और एक प्रिग्मेटिज्म, मतलब कि कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन है शॉर्ट नोट समेत वो नहीं आए, बाकी सारे के सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल से बताए वो सारे के सारे आए हैं, ठीक है। तो इसका टोटल मतलब हुआ कि 85% से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने बताए वो सारे के सारे आए हैं। यार 20 तो क्वेश्चन बताए थे, उसमें से देख लो 7 तो आगे पूरे पूरे है ना। तो इसी तरह आप YouTube पे बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई भी आपको डाउट हो तो 6375139288 पे आप WhatsApp करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर अपने जुड़ें, आप भी जुड़ें, अपने फ्रेंड्स को भी जुड़ें। और जो पेपर हैं अगर आप रीमैच करना चाहते हो तो रीमैच भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है ये क्वेश्चन जो थे वो सारे सारे आए, और मैंने आपकी बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बना बना के इसमें हेल्प भी की है, तो वीडियो सारे पड़े हैं। किसी की प्लेलिस्ट नहीं है तो भी आप थोड़ा सा ढूंढ लें, नीचे वगैरह देख लें, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और किसी को पर्टिकुलर वीडियो की लिंक चाहिए तो मुझे बोल देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं यार, एक इतना रिप्लाई देना बहुत कठिन हो जाता है। अब हमारे साथ में हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं, पहले हम 1 शुरू हुए थे। तो अब बात यह है कि आप प्लेलिस्ट बनेगी, आज शायद प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो जिनको अभी देखना है वो नीचे पड़े वीडियो सारे देख सकते हो, और बिलीव करके चलो ये भी पेपर आए तो आपका भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।